बेचने के लिए हम लोग उसका ये करते हैं, डेवलप करते हैं उसके लिए। हाय दोस्तों, आप कैसे हो? तो हम जाएंगे लांजा के पास, गोवा हाईवे के पास एक फार्म हाउस है, वहाँ पे जाएंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों, वहाँ पे जाके आप धीरे पता चलेगा कैसा क्या फार्म हाउस कितना बढ़िया है। तो चलिए वहाँ पे जाते हैं दोस्तों, वहाँ पे जाके आपको दिखाऊंगा। चलिए तो हम लोग यहाँ पे अभी उतरे हैं, आप देख सकते हैं। तो इधर भी जाएंगे, बाग है इधर, बड़ी पपे की बाग है। तो हम लोग जा रहे हैं पपे के बाग में, ये तो उतर के चले गए तुरंत ही। तो हम लोग जाएंगे इधर पपे के बाग देखेंगे, इधर सब्जी भी मिलते तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा सब्जी भी खरीद लेंगे और पपे भी लेके जाएंगे। ये देखिए, ये सेठ बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब आपका क्या मतलब फार्म हाउस है ना ये? फार्म है यहाँ पपे भी आपका मतलब पेड़ सब लगाए हुए हमने बनाया है। हाँ, तो क्या क्या मिलता है सब्जी बीजी वगैरह? सब्जी में हमने भिंडी खुद बनाया है। अच्छा, ओके। करेला, हाँ ये देख सकते हैं इनका भिंडी है, ये देखिए। हाँ, इनके करेला भी यहाँ पे बना थी, मतलब पेड़ लगाए हुए। परवल है, यह भी है, ये भी है। हाँ, तुरई आप देख सकते हैं, सब यहाँ पे आप फार्म हाउस में मिल जाता है। आप कभी यहाँ पे आएंगे तो खुद ही यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो नेचुरल में आप क्या बोलते हैं, सब ऑर्गेनिक खेती है इनका। सेठ जी, कब से आप यह मतलब यहाँ पे खेती कर रहे हैं? हम 2 साल हो गए, अभी सितंबर को 2 साल होएंगे। हमने लीज पे लिया है 10 साल के। ओके, तो हमें हमारा मेन पर्पज था इधर, हम लोग नर्सरी की शुरू किया था। ओके, नर्सरी और ऑर्गेनिक वेजिटेबल जो भी रहेगा वो। ओके, तो हमने शुरू किया, अभी हमने इस साल हमने नवंबर में पिछले साल के नवंबर में हमने पपई का क्रॉप शुरू किया है। ओके, आप देख सकते हैं पपई कितना बहुत काफी सारे पेड़ है। हाँ, तो इसका ताइवान 786 करके इसका प्रजाति है ये। ओके, हाँ, और ये 2000 हमने झाड़ लगाए, इसके पूरे 2000 पौधे लगाए थे। अभी 2-2.5 साल का यही क्रॉप रहेगा हमारा। ओके, और फिर आगे आपको आपको दिखाते हैं, हम लोग ये नारियल वगैरह बेचते हैं। ओके, हम लोग खुद मेड करते हैं यहाँ पे। ओके, ये देख सकते हैं नारियल खुद मेड करते हैं। हाँ, देख सकते हैं नारियल है, बाद में आपका आप ये अमरूद है। हाँ, अमरूद का पेड़ भी देख सकते हैं, देखिए ये खुद ही मेड करते हैं यहाँ पे। ये आम, हमारा मेन आम का नर्सरी है। अच्छा, ये देखिए, ये आम का भी कर लेते हैं, आम का भी नर्सरी कर लेते हैं, आप देख सकते हैं। आम है, चिक्कू है, बाद में चिक्कू भी है यहाँ पे। बाद में आपको दूसरा दिखेगा, मसाले के कुछ पौधे। ओके, टिका पत्ता, ये देखिए, देख सकते हैं पत्ता है, तेज पत्ता, काली मिरी भी है। क्या बात है, ये कटियाल है। हाँ, ये कटियाल का पेड़ भी है, फनस बोलते हैं मराठी में, मराठी में इसको कटियाल का पेड़ भी है। ये वैरायटी अलग है, ये बिन गमले बोलते हैं इसको। ओके, हाँ, इसके अंदर ये गम नहीं रहता है। अच्छा, ओके, गम है, गम नहीं होता है इसके अंदर, गम नहीं होता है। ओके। बाद में हम बाहर से फूल मंगवाते हैं, फूल के पेड़ वगैरह। ओके, अच्छा, ये देखिए गुलाब का है, सब व्हाइट गुलाब है, पिंक गुलाब है, देख सकते हैं। नारियल में हमारे पास 10-12 प्रकार के नारियल है इसमें। ओके, उसमें टीडी बोलते हैं, डीटी बोलते हैं, प्रताप बोलते हैं। ओके, कोकन भाटिया करके, ऐसे 10-12 प्रकार की वैरायटीज है इसके अंदर। ओके, बहुत बढ़िया, मतलब आपने बहुत खूब अच्छी तरह से सजाया है इसको। हाँ, तो लोग कोई भी इधर आ सकते हैं, तो आप यहाँ पे आपको खेत में पे लगाना है तो यहाँ से इनका पेड़ ले जा सकते हैं आप। हाँ, हम इनको मार्गदर्शन कर सकते हैं इसमें कैसे लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पूरा है। सिर्फ हमारा बेचने का काम नहीं है, हम लोग उनको पूरा डिटेल्स बताते हैं, कैसा लगाना है, कैसा उसको सींचना है, कैसे पौधे का देख रेख करना है, सब पूरा डिटेल देते हैं। हमारा एक्चुअली मोटो ही वैसा है कि मार्गदर्शन प्लस उसका पूरा देख रेख करना। क्या बात है, मैं सही में, अच्छा, आपका बहुत खूबसूरत मतलब काम कर रही है, बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप कभी भी आएंगे तो लांजा गोवा हाईवे, मुंबई गोवा हाईवे, लांजा करके की सिटी पड़ती है यहाँ पे, तो उधर से आजगा करके गाँव है, उधर इनका फार्म हाउस है। इनका फार्म हाउस का नाम क्या आपका बता सकते हैं? स्वयं सिद्ध एग्रो। आपको नंबर भी आप दे देंगे। तो दोस्तों, यानी इन्होंने खूब बहुत खूबसूरत कुछ और चीज़ें किया है, हम लोग अभी आपको दिखाते, तो चलिए देखते आइए। पपई के हमने पूरा प्लांटेशन, मेन क्रॉप हमने प्लांटेशन किया हुआ है। ओके, बाद में हमारे काजू की नर्सरी है, जो बोलते काजू वेंगुला वैरायटीज, उसमें वेंगुला 4, वेंगुला 7। आइए, हमने आपको हमारा नर्सरी का मेन क्रॉप जो है काजू दिखाते हैं, जो हमें काजू का प्लांटेशन बेचने के लिए हम लोग उसका ये करते हैं, डेवलप करते हैं उसके लिए। हाँ, बाद में हम लोग सब कमर्शियल के लिए कुछ मिर्ची के पौधे लगाए हैं। अच्छा, बाद में अभी गणपति सीजन आएगा या दशहरे का सीजन आएगा, उसके लिए झेंडू के झाड़ लगाए। क्या बात है, क्या बात है।
ये मेरी मिर्ची का पेड़ होगा मेरे ख्याल से, दिखाओ जरा मिर्ची का पेड़ दिखाओ। अच्छा ओके सर, जाओगे जाओ अगर आगे जाके दिखा दो जरा। अच्छा ये मिर्ची के पेड़ भी उन्होंने लगाए है, तो आप देख सकते हैं तो मिर्ची के पेड़ भी उन्होंने लगाया है, आप देख सकते हैं गुलाब बहुत खूबसूरत लगता है। गुलाब का जरा एक क्लोज ले लो तो उनको दिखा देंगे क्या गुलाब दिखता है, देखिए जरा बहुत खूबसूरत लग रहा है गुलाब, बहुत बढ़िया वाह। ये कोकन के स्पेशलिस्ट करंदे बोलते हैं इसको, एक्चुअली करंदे लगाए हुए हैं। अच्छा ये करंदे मतलब ये कंदमूल बोल टाइप के रहते हैं। ओके ये कंदमूल है, झाड़ में रहते हैं। ओके आगे दिखाएंगे आप, इसको एक करंदे करके बोलते हैं। ओके 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 कंदमूल करके ओके ओके। लास्ट टाइम मैं अभी आते समय देखा था रोड पे, तो मेरे ख्याल से वो जंगली होएगा, जंगली होएगा हाँ, ये खाने के लिए तो हम लोग यहाँ से एक ले जा सकते हैं एक इसको 100% हाँ, तो हम लोग अभी ये किधर यहाँ से एक लेके जा रहे हैं, खाएंगे अब आपको जरूर बताएंगे कैसा सुन कैसा अच्छा लग रहा है, कैसा अच्छा लगता है। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बॉइल करने का। अच्छा ओके करके बॉइल करो, उसमें नमक डाल दो। ओके 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 ओके। तो चलिए दोस्तों और कुछ ये दिखाना चाहते हैं तो उधर हम लोग जा रहे हैं अभी, फिर उधर से इसका हम आपको दिखाएंगे काजू कैसे बनाते हैं, कैसे प्रोसेस होती है। हम क्यों आपको बोलते हैं हमारी सब्जी पूरी नेचुरल है क्योंकि ऑर्गेनिक है, इसका रीजन है कि हम लोग खुद का ये हम इधर से बनाते हैं, उसको खत बोलते हैं। ओके ओके फर्टिलाइजर हम यहाँ ही करते हैं पूरा। ओके ओके ये पूरा जितना ही सब्जी बीजिए 100% फर्टिलाइजर है इसका। ओके 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 ओके। और आपको अभी हम आपको बताते हैं काजू कैसे बनाते हैं, काजू के पेड़ कैसे बनाते हैं। ओके क्या बात है, वाह बहुत सारा काजू का पेड़ है। ये कौन सा वेंगुरला, कौन सा वेंगुरला चार बोलते हैं इसको। ओके और वेंगुरला सात आता है वो नहीं है क्या? नहीं वो है उसका बनाया है। अच्छा ओके ओके ओके। तो आप ये उसका लकड़ी कट्टी ये इसका स्टिक भी अलग बना के वगैरह पूरा अलग हाँ। और अभी ये पूरा रेडी पोजीशन है अभी बेचने के लिए, अगले साल बेचने के लिए हम लोग इसको तैयार करें। अच्छा ओके भाई मतलब ये अगले साल के लिए रेडी रेडी हो गया। अच्छा ओके ओके। जिसको चाहिए तो अभी भी बुक कर सकता है वो। ओके के लिए तो पूरा उसको जून में लगाने के लिए रेडी हो गया। ओके कितने साल में ऐसा ये इसके बीज आ जाती है? ये नहीं बीज का तो 45 डेज का उसको प्रोसेस है। अच्छा ओके 45 डेज में आपने बीज डाल के उसको पहले बीज आएगा। ओके तो बीज आने का उसका पौधा तैयार होने का दूसरा स्टिक इसको लगाते हैं। ओके दूसरा स्टिक होके फिर उसको कलम बोलते हैं, उसको मराठी में कलम बोलते हैं। ओके ओके और बाद में इसका रेडी हो गया। ओके ओके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये पहला स्टिक है। अच्छा पहला वाला ये पौधा है और पौधे के ऊपर हमने इसको दूसरा स्टिक बनाया, स्टिक बना के उसको अभी इसको कलम तैयार हो गया। ओके ओके ये पूरा स्टिक हो गया है, स्टिक लगा दूसरा स्टिक लगा के दिया। ओके ओके मतलब प्रोसीजर इनका पूरा हुआ और पूरा होके ये अभी बेचने के लिए अभी रेडी हो गए, तो अगले साल ये बेचेंगे मेरे ख्याल से। मैं कितने का भी बेचते हैं? मैं इसे शुरू करते हैं, मैं इसे ऑर्डर लेते हैं सब। ओके मैं इसे ऑर्डर ले लेंगे और मैं इसे ऑर्डर शुरू करते, क्या बात है वेरी नाइस। तो ये उधर मट्टी में लगाने के बाद आप बेचने के बाद कितने साल में दे उसका? तीसरे साल में आपको प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। अच्छा तीसरे साल प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। ओके 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 वेरी नाइस। ये हम लोग खुद बनाते हैं। अच्छा मोगरे का मोगरे अच्छा इनका मोगरे का भी खेती आप देख सकते हैं, मोगरे का फूल है हम लोग खुद बनाते हैं। वाव बढ़िया वेरी नाइस बहुत खूबसूरत है। ये अभी आपको दूसरा दिखाते हैं, ये हमने आपको पहले पौधे दिखाए थे छोटे वाले। ओके बराबर अभी एक साल का पौधा है पूरा। अच्छा अब बड़े हो गए अभी हो गए। ओके एक साल का पौधा है पूरा। ओके ओके वेरी नाइस, ये देख सकते हैं आप यहाँ पूरा कलम हो चुका है। बाद में हमारा जो मेन मेन जो हम लोग करते हैं उसको एक्चुअली मराठी में बोलते हैं उसको सोनसाफा। ओके तो हाँ हम लोग बनाते हैं। ओके ओके हमने खेती किए हुए। ओके जिसको चाहिए तो हमसे यहाँ से ले जा सकते हैं। ओके खुद हम इसका कलम बनाते हैं। ओके वेरी नाइस। और ये सोनसाफा का फूल है। क्या बात है ये सोनसाफा। हाँ 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 ये बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इसका खुशबू। खुशबू हाँ तो बहुत मतलब मुझे तो इतना पसंद है कि पूछिए मत, अपने बहुत अच्छा पेड़ दिखाया, मैं खुद ही ऐसे भी लेके जाऊंगा ऐसे में। इसका ये उसका प्रोसेस ऐसा है। ओके इसको पहले सोनसाफे के बीज डाल के उसको उगाया जाता है। ओके और उसका अभी आपको दिखाता हूँ मैंने पेड़ पे कैसे हम लोग स्टिक बांध के उसको कलम बनाते हैं। ओके अंदर जा रहे हैं देखिए। हाँ ये देखिए कलम, ये कलम बनाया अभी उसको, अभी पौधे को बना के झाड़ पे पेड़ पे हमने इसको ये बनाया। आप देख सकते हैं इधर इन्होंने बनाया हुआ है, ये देख सकते कैसा कलम हुआ है। अभी ये बड़ा पेड़ हो गया है,
ये देख सकते हैं, एक महीने के अंदर इसको फिर हम लोग कटिंग करके बेचने के लिए रेडी हो जाएगा। ओके, मतलब एक महीने के बाद इसका कटिंग करके आप बेचेंगे इसको। ओके ओके ओके, बाद में हम लोग इसको जासवन बोलते हैं, इसमें 7-8 प्रकार के कलर्स है। ओके, जासवन भी हम लोग इधर खुद ही बनाते हैं। ओके, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप खेती कर लेते, बहुत काफी सुंदर ऐसा फार्म हाउस बनाया उन्होंने, आप देख सकते हैं, अभी देखा आपने हुआ कि कितना बढ़िया खूबसूरत फार्म हाउस बना है। तो चलो जस्सो, आप कभी भी यहाँ पे गोवा रोड पे आएंगे, आपको कौन सा भी पेड़ चाहिए, बहुत सारे पेड़ है अभी कमी दिखाए उन्होंने, तो आप यहाँ से ले जा सकते हैं, इनका नंबर मैं आपको दे दूंगा, तो आप जरूर यहाँ पे एक बार आ जाइए और पेड़ लेके पपई वगैरह क्या जो भी चीज़ चाहिए तो यहाँ पर आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ दोस्तों, और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।